आई एम सृष्टि फ्रॉम क्लास 8 और आज हम जानेंगे लेसन 9 8th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। नाउ स्टार्ट। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और बहुत कुछ जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ स्टार्ट। सो व्हाट इज अ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 9x + 7। ये और ये, जब ये दो टर्म्स मिल जाते हैं तब एक एक्सप्रेशन बनता है, मतलब दो टर्म्स मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है। ये दोनों अब जुड़ गए साइन की वजह से, तो ये अब एक एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने एक्सप्रेशन में एक टर्म सुना, टर्म क्या होती है अब हम देखेंगे। टर्म इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9x + 7। जैसे कि ये 9x, 9x एक अलग टर्म है, 7 एक अलग टर्म है। ये दो अलग अलग एक टर्म है, बट इस साइन के लगने की वजह से वो एक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x + 7 - 9x + 3। अब इसमें बहुत सारे टर्म हैं, 5x एक टर्म है, 7 एक टर्म है, 9x एक टर्म है और 3 भी एक टर्म है। टर्म में भी दो फैक्टर्स की जरूरत होती है। फैक्टर्स, जब दो फैक्टर्स मिल जाते हैं तो एक टर्म बनता है, कई बार एक सिंपल टर्म भी होता है। अब हमने सुना एक फैक्टर, फैक्टर क्या होता है? सो व्हाट इज अ फैक्टर? इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 9x + 7। 9x में दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, 9 एक अलग फैक्टर है और x एक अलग फैक्टर है, तो 9x बन रहे हैं दो फैक्टर के मिलने से। अब दो फैक्टर मिल गए, बन गया 9x और 9x एक टर्म बन गया, और एक ये 7 एक अलग अपना फैक्टर है। अब ये 9x + 7 हो गया, तो हो गया ये एक्सप्रेशन, मतलब कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब दो फैक्टर मिलेंगे तब एक टर्म बनेगा, और जब दो टर्म्स मिलेंगी तो एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब इन दो फैक्टर में से एक टर्म, अब एक कोफिशियंट भी निकलता है। जैसे दो फैक्टर्स हैं 9 और x, तो इनमें से कोई एक कोफिशियंट भी होगा। तो व्हाट इज अ कोफिशियंट? सो व्हाट इज अ कोफिशियंट? जैसे हमने फिर से एक ये एग्जांपल लिया जो हम शुरुआत से ले रहे हैं, 9x + 7 में हम कोफिशियंट निकालते हैं। पहले 9x टर्म में से एक कोफिशियंट, 9x एक टर्म है जिसमें से हम बस कोफिशियंट निकालेंगे, तो कोफिशियंट होगा सिर्फ 9, मतलब कि x को हम छोड़ देंगे। 9 इज अ कोफिशियंट, 7 में से 7 हम एक कोफिशियंट लेंगे। कई बार होता है जैसे -x ऐसे होता है, तो हम इसको, इसका भी कोफिशियंट निकाल सकते हैं। इसका कोफिशियंट निकलेगा -1। यहाँ पे ना कोई नंबर था बट माइनस का साइन था, माइनस का साइन हमें लेना था, इसलिए हमने x का कोफिशियंट 1 निकाला है। जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पे 1 होता है कोफिशियंट के लिए। ट्राइनोमियल, अब देखते हैं इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलीनोमियल्स। अब हम देखेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं। मोनोमियल्स में सिर्फ एक ही टर्म होती है, टर्म, जैसे कि 5x y 7x² zy, ऐसे ये कॉमा लग रहा है, ये सारी सिर्फ एक टर्म है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 7x² एक टर्म है और x, ये zy एक टर्म है। मतलब मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म्स होती हैं, उस एक टर्म को हम मोनोमियल्स कहते हैं। अब हम जानेंगे बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल्स उसमें दो टर्म्स लगते हैं। इन्हीं को एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि 5xy प्लस लग गया 7x², ये एक एक्सप्रेशन भी बन गई। दो टर्म्स को मिलकर ये एक एक्सप्रेशन भी बन गई, बट इसमें दो टर्म्स हैं तो ये एक बाइनोमियल होगा। क्या होगा? ये बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म मिलते हैं तब वो बाइनोमियल कहलाती है। अब एक ट्राइनोमियल, सो व्हाट इज अ ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल्स
बोलने से ही समझ आ रहा है, मोनोमियल, बायनोमियल, अब ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं। अब इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे, जैसे कि 5xy प्लस 7x2 प्लस z1, इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं, तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स। और ये एक्सप्रेशन भी कहलाएगा, तो ये होगा ट्राइनोमियल्स, इसमें तीन टर्म्स आ गई। ये तीन टर्म तो होते ही हैं, जैसे वन टर्म वाले को हम मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म वाले को हम बाइनोमियल कहेंगे, तीन टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। बट जब तीन टर्म से ज़्यादा हो जाए, चार हो जाए, पाँच हो जाए, छः हो जाए, तो हम उनके लिए अलग अलग नाम नहीं है, अब सिर्फ एक ही नाम है, पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स में चार टर्म, पाँच टर्म, छः टर्म, सात टर्म, आप जितनी टर्म्स लगाने चाहें वो सब पॉलीनोमियल्स में आते हैं। पॉलीनोमियल्स जैसे इसमें हम अब बढ़ाते रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई तक तो हाई, अब इसमें हम चार एक टर्म और जोड़ देते हैं, जैसे कि 9x2y2 एक टर्म और जोड़ देते हैं, 7x2yz ऐसे। ये अब पांच टर्म आ गई इसमें, एक दो तीन चार पाँच, पांच टर्म्स आ गई। ये अब हो गया पॉलीनोमियल्स में, चार भी होती तो भी पॉलीनोमियल्स में ही आता, बट तीन होती तो वो ट्राइनोमियल्स में आ जाता। अब मतलब तीन के बाद जितने भी टर्म्स आएंगी एक एक्सप्रेशन में वो पॉलीनोमियल्स में आएगा। अब हम देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए पहले हमें कुछ एग्जांपल्स चाहिए होंगे, ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि 7x2 7y 3x2 4y 9y 7x2 8x2। अभी हमने ले लिए कुछ, ले लिए हमने टर्म्स, अब इनमें से हमें लाइक टर्म्स बनाना है। लाइक टर्म्स में हम ये देखते हैं, लाइक टर्म्स में और अनलाइक टर्म्स में दोनों में हमें ये देखना पड़ता है पीछे का, अगर जो भी लाइक टर्म्स में आएंगे उनके पीछे के सेम होने चाहिए। जैसे इसमें कुछ मैंने लिखे हैं 7x2 3x2 8x2, मतलब 7x2 3x2 और 8x2, इसमें पीछे के सबके सेम है, आगे की कोई चेंज हो कोई नहीं होता, बट पीछे के सेम होने चाहिए, तो ये लाइक टर्म्स में आ जाते हैं। अनलाइक टर्म्स में पीछे के सेम नहीं होते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 4y और 8x2 कौन सा टर्म है, लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, बट यहाँ पे 4y है और यहाँ 8x2 है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाता है। बट अगर क्वेश्चन उठा कि 8x2 और 7x2 लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म, तो ये हमारे को लाइक टर्म में आता। ओके, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए हमें इस पीछे के इसको नंबर को याद रखना, पीछे के इसको याद रखना जरूर। 9.1 इस लेसन का 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कि क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई देयर टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि पार्ट इसका 1, 5xy2 माइनस 3yz, इसमें हमें इसके कोफिशिएंट और टर्म दोनों बताने हैं। तो पहले इधर हम टर्म ले लेते हैं, टर्म्स, और इधर हम कोफिशिएंट लेते हैं, टर्म। मैंने बताया था आप लोगों को ये पूरा ये टर्म होगा, मतलब कि इसमें टर्म में 5xy2 और माइनस 3yz दोनों ये टर्म है। अब इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट होगा सिर्फ 5, बट इसका कोफिशिएंट होगा सिर्फ 3 नहीं, माइनस का साइन है तो कोफिशिएंट में माइनस का साइन भी लगेगा, इसका मतलब -3। ऐसे ही हमारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको एग्जांपल लगा दिया, बाकी के करेंगे आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया और बाकी के भी बड़े आसान है, अगला क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। आज हमने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना, और बाकी जो भी बचा है इस चैप्टर में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब हम अगली वीडियो में करेंगे। अब अभी के लिए बाय।
मैं सृष्टि फ्रॉम क्लास 8B और आज हम करेंगे चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 का। अब हम जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और इस चैप्टर में हम जानेंगे एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, वो भी सारे शेप्स का, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इन सभी चीज़ों का हम पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। अब हम पहले इन सारे शेप्स का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। वैसे तो हमने ये सब कुछ 7th क्लास में भी 6th क्लास में भी किया है, बट इसमें दो चीज़ नहीं, इसमें एक चीज़ नहीं आ गई है, सर्कल, उसका भी हम अब आज निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, बट एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब इसकी हमेशा ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये सभी को पता होता है। एक होती है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, तो जब हम इसमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका एरिया निकलेगा। एरिया मतलब इसका अंदर का जो सरफेस होता है वो, ठीक है। अब इस तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। और पेरीमीटर यानी ये चारों साइड का, जब हमें कुछ चारों साइड का मेजरमेंट जब हमें निकालना होता है तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। इसका होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला है। जब हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे पेरीमीटर के लिए, और जब हमें एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला एरिया के लिए। अब जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल की चीज़ है, उसको मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा स्टार्ट में। जैसे कि एक ब्रिक, ये ब्रिक भी एक रेक्टेंगल है। जब हमें ये 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 और ये इसके चारों ये निकालना होगा तब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, बट जब हमें ये चीज़ निकालनी होगी तब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले इसके लिए हमको इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें देनी होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे स्क्वायर का, इसका एरिया किस होता है। अब हम इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ये तो सभी को पता होगा कि इसकी चारों साइड हमेशा इक्वल होती है, तो जब हम इसकी साइड और इंटू साइड करेंगे तब इसका एरिया निकलेगा, ठीक है।